फ्रेंड, कैसे हो? मजे में होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी। अपने अपने भाइयों के लिए बनाइए और एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन। आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल पेड़े, जो आप आसानी से व इजी बना के तैयार कर सकते हो। चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ पेड़े। मैं एक पैन ले ली हूँ और पैन के अंदर मैं 200 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चम्मच घी। घी आपको देसी घी यूज में लेना है, तो मैं 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ इसके अंदर घी। और हलवाई स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। जो हलवाई इसके अंदर ऐड करते हैं कि पेड़े फटे ना और टूटे ना, ये आपको मैं बताऊंगी। 1 चम्मच में कॉर्नफ्लोर ऐड की हूँ। कॉर्नफ्लोर से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और पेड़े भी अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। तो ये हलवाई भी यही ऐड करते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। 200 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर ली थी 200 ग्राम, तो इसके अंदर मैं 100 ग्राम चीनी ऐड करूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकती हो चीनी। और इतना इजी आसानी तरीके से पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चीनी और मिल्क पाउडर को। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध। दूध भी ऐड कर सकते हो आप और पानी भी ऐड कर सकते हो, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो ही ऐड कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैं दूध ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे। और देखिए आप, मिल्क पाउडर व दूध अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। बिना गैस जलाए इसको मिक्स करना है और बाद में गैस के ऊपर बाद में रखना है इसे। थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से इसका बैटर बना के तैयार कर लूंगी। पेड़े का बैटर बन के तैयार हो गया मेरा। अब मैं इसको गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ। आप इतनी इजी और आसान तरीके से पेड़े बना के इंजॉय कर सकते हो। अब मैं इसे गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ, बैटर बन के तैयार हो गया। अब मैं गैस को चालू कर दी हूँ और गैस को आपको लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। इसका मावा बनाना है पेड़े बनाने के लिए और इसे चलाते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये फिर नीचे से जल जाएगा तो ये मावा ख़राब हो जाएगा आपका। इसे इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आपको और बिल्कुल चलाते रहना है इसे। जब तक चलाते रहना है जब तक मावा बनके तैयार ना हो। जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही अब हलवाई की स्टाइल में पेड़े बना के तैयार करेंगे। दुकान पे पेड़े लेने जाते हैं तो पता भी नहीं चलता कब के बने हुए हैं कब के नहीं बने हुए हैं, और यहाँ पे आसानी से पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और ताज़ा पेड़े वो है, ताज़ा चीज़ तो वो अच्छी लगती है। पेड़े का मावा बनने लग गया, धीरे धीरे टाइट होने लग गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची। 3-4 इलायची ली थी। अब मैं इसका इलायची पाउडर बना के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा खुशबू आएगी और खाने में भी बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए धीरे धीरे मावा बन के तैयार हो रहा है। आपको जब तक पकाना है, आपके पास कढ़ाई हो या पैन हो, कढ़ाई का चिपकना छोड़ दे, जब आप इसे बंद कर देना, समझ जाइए आप पे ये मावा बनके तैयार हो गया। तो देखिए धीरे धीरे ये मावा बनके तैयार हो रहा है और कढ़ाई का पींदा भी कढ़ाई को छोड़ भी रहा है ये। इसमें कोई झंझटबाजी नहीं है, ना कुछ ज़्यादा सामान डलेगा, और घर के ही सामान से आप पेड़े बना के तैयार कर सकते हो और इजीली बन के तैयार हो जाएगा। इसमें कोई
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मावा पक रहा है और आपको जब तक पकाना है ये बिल्कुल अच्छी तरह से मावा ना बन जाए जब तक पकाना है आपको। अब देखिए मावा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गए पेड़े बनाने के लिए। रक्षाबंधन के लिए घर पे ही पेड़े बना के मिठाई बना लीजिए। मार्केट में लेने जाओगे तो पैसे भी इनकम भी ज़्यादा लगेगी और इतने अच्छे भी नहीं रहेंगे, जैसे घर की चीज़ होती है इतने अच्छे भी नहीं रहते हैं। और आप घर के ही सामान से एकदम सस्ते में बना के तैयार कर लोगे पेड़े। देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट पेड़े का मावा बन के तैयार हो गया। गैस को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ी देर और घुमा लूंगी क्योंकि पैन भी गर्म रहता है तो इसे घुमाते रहना है आपको। इलायची से थोड़ा कलर चेंज हो गया इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध तो है ना, शुद्ध चीज़ की वो नहीं होती है। अब मैं इसे साइड में रख ली हूँ और इसे ठंडा कर रही हूँ। इसे ठंडा कर लूँगी क्योंकि गर्म से हाथ भी जल सकते हैं, इसलिए मैं इसे ठंडा करूँगी पहले। तो अब देखिए मैं हाथ में आराम से पकड़ सकती हूँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, ये हाथ के चिपक रहा है इसलिए इसको थोड़ी देर और ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसको, ये ठंडा हो गया, इसको थोड़ा और ठंडा करने के लिए मैं इसको थोड़ी देर 10-20 मिनट इसको फ्रीज में रख दूंगी। ये गर्म है अभी तक, ये हाथ के चिपक रहा है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब देखिए 20 मिनट बाद में फ्रिज में से मैं निकाल के ले आई हूँ और अब देखिए बिल्कुल भी हाथों के नहीं चिपक रहा है। अभी इसे लंबी साइज में इसका रोल बना लूँगी मैं, पेड़े बनाने के लिए लंबी साइज में रोल बना ली हूँ। इसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना रही हूँ मैं, पेड़े के साइज के मैं तोड़ रही हूँ। पेड़े जितने साइज में तोड़ लेना इसे, और एकदम परफेक्ट एकदम अच्छे पेड़े बनके तैयार होएंगे और इजीली तरीके से। और घर पे बनाना बहुत इजी है पेड़े बनाना। अब मैं एक दूसरी प्लेट ले लेती हूँ और एक पेड़े का डो ले लेती हूँ और पेड़े की शेप दे देती हूँ हाथ में लेके पेड़े को, और हाथों की सहायता से गोल गोल घुमाना है, बिना सांचे से बनाएंगे, हाथ की सहायता से गोल गोल बना के अंगूठे की सहायता से इसे दबा देना है पेड़े को। मैं अगला पेड़ा बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऐसे करके मैं सभी पेड़े को बना के तैयार कर लूँगी और एकदम आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे। मैं बना रही हूँ वैसे, आप पेड़े बनाओ इतने इजी बन जाएंगे, और अंगूठे से पुश कर देना ये डिजाइन बन जाएगी पेड़े की। मेरा हमेशा यही रीज़न रहता है कि आपको आसान से आसान ट्रिक में रेसिपी बना भी बताऊँ। आपका काम है मेरे को सपोर्ट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब देखिए आप, मैं इजीली आपको पेड़े दिखा रही हूँ बना के, ऐसे आप बना के तैयार कर सकते हो। मेरे सभी पेड़े बन के तैयार हो गए, आप देख सकते हो कितने प्यारे कितने अच्छे पेड़े बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इसे पिस्ता से डेकोरेट कर देती हूँ। एकदम मार्केट स्टाइल में पेड़े बन के तैयार हो गए, एकदम टेस्टी व लाजवाब पेड़े बन के तैयार हुए हैं। देखिए आप कितने अच्छे कितने सुंदर पेड़े बनके तैयार हो गए। वाओ, घर पे ही इतने अच्छे पेड़े बनके तैयार हो गए, बिल्कुल कम सामान से इतने सारे पेड़े बनके तैयार हो गए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने अपने भाइयों के लिए घर पे ही मिठाई बना के तैयार कीजिए, मार्केट की मिलावट से बचिए आप। 90 रसोई के अंदर आपको पेड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मेरे को बताना पेड़े की रेसिपी कैसी लगी। फिर
फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।